चैप्टर 62 में ये बताया है कि माहिर तबीब माहिर डॉक्टर कौन सा होता है। अगर आपको डॉक्टर से इलाज करवाना पड़े तो कैसा डॉक्टर होना चाहिए और डॉक्टर क्या क्या पूछता है, या जो डॉक्टर हैं उनको अकॉर्डिंग टू तिब क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा ये अच्छा डॉक्टर है या नहीं है। तो जिसमें जो कि तिब में बताया गया है कि पहला ये कि डॉक्टर किन किन बातों को ध्यान रखे और क्या क्या देखे। तो पहला इसमें ये बताया कि सबसे पहले डॉक्टर ये देखे कि बीमारी किस किस्म की है, यानी मर्ज के बारे में देखे मर्ज, और फिर ये देखे कि मर्ज किस किस्म का है। दूसरा ये कि अगर ये बीमारी हो गई है तो इसकी वजह क्या है, किस वजह से ये बीमारी पैदा हुई है। तीसरा ये कि मरीज को जो ये बीमारी हुई है तो उस मर्ज का मुकाबला करने की कितनी ताकत है, यानी जो बीमारी हो गई है पेशेंट उसका मुकाबला कर सकता है, उसके अंदर इतनी ताकत है कि उस बीमारी को झेल सकता है या नहीं झेल सकता, ठीक है। तो और फिर ये कि मरीज का बदन उसके मिजाज कैसा है, यानी बदन का मिजाज भी देखे कि पेशेंट के बदन का मिजाज कैसा है। फिर मरीज की बीमारी की वजह से पैदा होने वाला गैर तबई मिजाज, यानी अगर बीमारी हो गई अब उस बीमारी से उसका मिजाज में जो बदलाव आया वो क्या बदलाव आया, ये भी देखे। और फिर ये कि मरीज की उम्र क्या है, मरीज की आदत क्या है, मरीज के मर्ज यानी पेशेंट जो है उसके जब उसको ये बीमारी हुई थी तो उस वक्त मौसम कैसा था और कौन सा मौसम मरीज के लिए सबसे ज्यादा बेहतर है और साजगार है। और फिर ये कि मरीज के जो आबो हवा है जहां पर मरीज रहता है उसका इन्वायरमेंट कैसा है, उसकी आबो हवा कैसी है, ठीक है। मर्ज के वक्त हवा का क्या हाल था, किस रुख और किस अंदाज से वो चल रही थी, क्योंकि उसकी वजह से भी बीमारियां हो जाती हैं। मर्ज के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली दवा, यानी अब वो दवा दे मेडिसिन दे और ऐसी मेडिसिन दे कि जो कि मर्ज को ठीक कर दे, यानी मर्ज के अपोजिट। फिर मरीज को इस्तेमाल कराई जाने वाली दवा की ताकत और उसका दर्जा और उसकी और मरीज की ताकत का देखे कि वो क्या है, यानी जो मैं दवाई दे रहा हूँ वो इसको एलर्जी तो नहीं कर देगी, उसको किसी तरह की परेशानी में तो नहीं डालेगी, उसका मिजाज कैसा होगा इस दवाई को देने के बाद, इन सब बातों पर भी गौर करे। और फिर ये कि तबीब के इलाज का मकसद, यानी जो डॉक्टर है उसके इलाज का सिर्फ ये मकसद होना चाहिए कि सिर्फ ये मकसद ना हो कि मुझे सिर्फ इस मर्ज को ही दूर करना है, ये उसके अंदर ये बात ना हो कि मुझे इस मर्ज को ठीक करना है, बल्कि उसके अंदर ये भी नियत हो कि मैं इस मर्ज को भी ठीक करूं और ठीक करते करते ऐसा ना हो कि दूसरी बीमारी पैदा हो जाए और दूसरी बीमारी से साबका पड़ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी ये बीमारी ठीक भी हो जाए और दूसरी बीमारी भी ना हो, ऐसा ना हो कि उसने दवाइयां ऐसी दे दी कि ये तो ठीक हो गई लेकिन दूसरी बीमारियां भी हो गई। और फिर मरीज का इलाज आसान से आसान तरीकों से करना चाहिए, इसलिए शुरुआत में गिजा देने की कोशिश करें, गिजा के जरिए इस्तेमाल करें, यानी जो अल्लाह ताला ने गिजाएं बताई है ना, जैसे आप जो तिब में पढ़ रहे हैं खाना पीना और किस मौसम में क्या खाना और कलौंजी का या इन सब का इलाज, जो गिजाएं अल्लाह ताला ने हमारे लिए बना दी, सबसे पहले अगर मामूली है मर्ज तो इस तरीके से वो दूर करें, यानी कि जाएं और जाते वो मेडिसिन सी पकड़वा दे, बस लो एकदम से बुखार हुआ 99 या 100 फीवर हुआ और जाते ही उसने एंटीबायोटिक पकड़वा दी, इस तरह से नहीं होना चाहिए। सबसे पहले वो गिजाओं के जरिए इलाज करे, फिर अगर उससे काम ना चले तो फिर मेडिसिन दे, फिर दवा दे, और फिर दवा भी कैसे दे, सबसे पहले वो कंपाउंड की बजाय सिंगल रेमेडी ट्रीटमेंट करे, यानी सिंगल रेमेडी ट्रीटमेंट करे, मुरक्कबात से बचे और उससे इलाज करे अगर दवाई की जरूरत पड़ भी जाए तो, ठीक है। और फिर ये भी गौर करे कि ये जो बीमारी है वो काबिल इलाज है भी या नहीं, अभी यानी अभी उसी जैसे वैक्सीन नहीं आई है, मान लो कुछ ऐसी होती है जो डॉक्टर को नहीं समझ में आ रहा या उनको ऐसा लगता है कि ये काबिल इलाज है नहीं, मेरे इलाज करने से ये ठीक नहीं होगी, तो फिर क्या है कि फिर वो खुद को रुसवा ना करे, ना फन ने तिब को बदनाम करे, यानी ये जो तिब है उसको भी बदनाम ना करे, खुद को भी रुसवा ना करे, ठीक है, और गौर और फिक्र करे, दूसरे डॉक्टर के पास जाए, उनसे मशवरा करे, उसके बाद देखे कि क्या करना है, बीमारी ठीक होगी या नहीं होगी। बाकी नहीं हो रही है तो फिर बस ऐसा तरीका इख्तियार करे कि वो बढ़े ना, कम से कम स्टेबल रहे। और फिर ये भी बताया कि बीमारी यानी कोई इन्फेक्शन हो जाए, मान लो कोई पस हो गई या कोई फुंसी हो गई या कोई इस तरह से इन्फेक्शन हो गया, तो पहले क्या करना है, पहले उसको स्टेबल करना है, यानी ऐसा नहीं कि फौरन दवाई दे दी अभी वो जोश में ही है, पहले उसको स्टेबल करना है, अगर वो चीज निकालने के लायक हो जाए फिर उसको निकालें। जैसे कोई फुंसी हो गई या कोई पस हो गई, अगर वो पहले उसको स्टेबल करना है और जब वो देखे कि अब इसकी कंडीशन ऐसी है कि इसको निकाला जा सकता है तब वो इसको निकाले। और डॉक्टर जो है वो दिल की बीमारियों के बारे में, रूह की बीमारियों के बारे में दवाओं से पूरी तरह से वाकिफ होना चाहिए,
यानी हर तरीके से उसको वाकिफ होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए सारे तरीके, दिल के, रूह की बीमारियों के, जिस्मानी तरीके। अगर उसको दिल के तरीके और रूह की बीमारियों के तरीके नहीं पता, तो इसका मतलब इन्होंने बताया कि वो जो है काबिल डॉक्टर नहीं है। अगर कोई इन सब बातों पर भी यकीन ना करे, रूह की बीमारियों के भी बारे में उसे पता होना चाहिए। और फिर डॉक्टर को जो है मरीज से खैर ख्वाही, उसके साथ शफक्कत और नर्म बर्ताव करना चाहिए, जैसे बच्चों के साथ करते हैं, इस तरह डॉक्टर को भी करना चाहिए। और फिर मरीज के क्या ख्यालात हैं, मरीज के ख्यालात पर भी वो ध्यान दे, ये सब बातें। यानी अगर उसको लग रहा है कि अब मैं ठीक नहीं हूंगा, और वो उसके हिम्मत टूट रही है, उसका हौसला टूट रहा है, तो फिर मरीज का हौसला बढ़ाए और उसकी हिम्मत बढ़ाए। और फिर जब ये सब वो करने के बाद अगर वो इलाज करता है, तो फिर उसका मतलब वो अच्छा तबीब है, फिर उससे इलाज करवाना चाहिए।